गाइज, आज हम लोग एक ऐसे देखने जा रहे हैं जो कि मिनू मसानी के द्वारा लिखा गया है, नो मैन इज एन आइलैंड, जो कि उनके बुक आर ग्रोइंग ह्यूमन फैमिली से लिया गया है। इस ऐसे को तकरीबन 2200 शब्दों में लिखा गया है। अगर हम लोग मिनू मसानी के लाइफ को एक शॉर्ट ओवरव्यू दें तो वो एक पॉलिटिकल फिगर के साथ साथ एक ऑप्टिमिस्टिक के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि उनका जो पर्सनालिटी है वह एक आशावादी व्यक्ति का है। और ये ऐसे में भी हम इस पर्सनालिटी के कुछ झलक को देख पाएंगे। ऐसे स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आपके यूनिवर्सिटी का जो भी सिलेबस है वह हमें ईमेल या फिर व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, या फिर जो भी शॉर्ट स्टोरी, पोएम या फिर किसी भी लिटरेचर के वर्क का जिसका आप हमसे हेल्प चाहते हैं उसको आप हमें ईमेल या फिर व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे वर्क हैं जिसको गूगल पे आसानी से ढूंढना काफ़ी मुश्किल है, तो यदि आपके पास उस वर्क का कॉपी अवेलेबल हो तो हमें ज़रूर भेजें, या फिर नहीं भी हो तो हमसे संपर्क ज़रूर करें। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपके इच्छानुसार सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स, डिसलाइक, शेयर जो भी करना हो आप कर सकते हैं। गाइज, इस वीडियो में हमने एक अलग तरीके से एक ओवरव्यू देने का कोशिश किया है। अगर आपको ये वीडियो या फिर ये तरीका पसंद आए तो हमें ज़रूर बताएं ताकि हम इसे दूसरे वीडियो में भी इम्प्लीमेंट कर सकें। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज, हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, हाउ टू कन्वर्ट दिस वर्ल्ड इनटू अ बेटर वर्ल्ड, जो कि पूरा ऐसे डिपेंड करता है इसी क्वेश्चन पे। यहाँ पे बेटर वर्ल्ड के बारे में बताया गया है कि वो बेटर वर्ल्ड कैसा होना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। वो बेटर वर्ल्ड के बारे में बताया गया है, फ्रीयर, अ फुलर एंड अ रिचर लाइफ फॉर ईच ह्यूमन बीइंग। मतलब कि उस बेटर वर्ल्ड में हर किसी को आज़ादी हो, हर चीज़ से भरा पूरा हो और एक अच्छा यानी कि सुखमय ज़िंदगी हर एक व्यक्ति व्यतीत कर सके, वह है बेटर वर्ल्ड। तो क्वेश्चन है कि ऐसा हम लोग क्या करें जिससे हर एक व्यक्ति सुखमय जीवन यापन कर सके। अब ये बेटर वर्ल्ड के लिए राइटर के द्वारा पहला स्टेप जो बताया गया है वह है मर्जिंग ऑल द स्टेट्स एंड एम्पायर्स इनटू अ वर्ल्ड यूनियन और फेडरेशन। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि वर्ल्ड यूनियन और फेडरेशन होता क्या है। जब किसी खास पर्पस से बहुत सारे स्टेट्स या फिर एम्पायर्स एक साथ आके काम करते हैं तो वह वर्ल्ड यूनियन या फिर फेडरेशन कहलाते हैं। तो यहाँ पे राइटर के द्वारा आंसर दिया गया है कि हम जब तक दुनिया के सभी देशों को एक साथ नहीं लाते तब तक हम एक बेटर वर्ल्ड की कल्पना नहीं कर सकते। यानी कि अगर हमें बेटर वर्ल्ड चाहिए तो दुनिया के हर देश को मिलके, एक साथ होके, एकजुट होके कोशिश करनी होगी। और इसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि यदि हम लोग आज के लाइफ्स और हज़ारों साल पहले के लाइफ्स की तुलना करें तो हम लोग एक बहुत मेजर चेंजेस देखते हैं, चाहे वह बीमारी ख़त्म करने की बात हो या फिर फिजिकल हार्ड वर्क करने की बात हो। हम लोग अभी पहले से काफ़ी बेटर वर्ल्ड में रहते हैं और पहले से ये बेटर वर्ल्ड हमें किसी एक व्यक्ति के योगदान से प्राप्त नहीं हुआ है। इसमें बहुत सारे लोगों ने मिलकर अपना योगदान दिया है जिससे कि आज हम लोग एक बेटर वर्ल्ड में पहुंच पाए हैं। तो यही तर्क देते हुए राइटर कहते हैं कि यदि हमें और बेटर वर्ल्ड चाहिए तो हमें एकजुट होकर काम करना होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन राइटर के द्वारा ही उठाया जाता है कि चलिए मान लेते हैं पूरी दुनिया एक स्टेट में बदल गई, एक एम्पायर में बदल गई, फिर इसकी क्या गारंटी है कि इससे वहाँ के नॉर्मल पीपल का लाइफ बदल जाएगा, इससे उन लोगों को बेटर वर्ल्ड मिल जाएगा। हो सकता है उन लोगों को इससे भी ख़राब स्थिति का सामना करना पड़े। तो ये सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं गवर्नमेंट पे, वहाँ के सरकार पे।
फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा गवर्नमेंट बढ़िया है कौन सा गवर्नमेंट खराब है। हो सकता है कोई बोले ये बढ़िया गवर्नमेंट है और कोई बोले ये गवर्नमेंट बढ़िया नहीं है। ये तो हर किसी के ओपिनियन और पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है। तो फिर बात आती है, ऐसा कौन सा पॉइंट है या फिर ऐसा क्या टेस्ट्स हैं जिसे पता चले कि ये गवर्नमेंट वहाँ के जनता को सेटिस्फाई कर रही है या फिर ये गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। तो यहाँ पे राइटर के द्वारा दो टेस्ट के बारे में बताया गया है कि यदि कोई गवर्नमेंट ये चीज़ें वहाँ के जनता को उपलब्ध कराती है तो ये गवर्नमेंट बढ़िया है, जिसमें कि पहला है द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। इसमें बताया गया है कि वहाँ की जनता को अच्छे से अच्छा घर दिया जाना चाहिए, बेस्ट फूड मिलना चाहिए और कंफर्ट, ग्रेटेस्ट कंफर्ट मिलना चाहिए, बेहतरीन शिक्षा और वहाँ के सिटीजन्स को लेजर मिलना चाहिए। लेजर यानी कि फ्री टाइम, जिसमें कि वह अपने अच्छे टाइम्स को व्यतीत कर पाए, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड कर पाए, अपना अपने लाइफ को इन्जॉय कर पाए, यानी कि सिटीजन्स पे ज़्यादा काम का ओवरलोड नहीं होना चाहिए। वहीं पर दूसरा क्वालिटी ये बताया गया है कि वहाँ पे हर एक इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी मिलना चाहिए अपनी बात रखने का और उनकी पर्सनालिटीज को, उनके पर्सनालिटी को इज्जत और सिंपैथी के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए और उनके मर्जी के बिना कोई भी फैसला नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि एक शू पहनने वाला ही बता सकता है कि शू के अंदर कितना कंफर्ट है। यानी कि किसी भी देश का फैसला वहाँ के जनता ही डिसाइड कर सकती है कि कितना सही है और कितना गलत, और ये चीज़ें बस डेमोक्रेसीज में हो सकती हैं। तो फिर यहाँ पे क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट से बात आ जाती है काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट में। अब काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट में दो काइंड्स आते हैं, पहला डेमोक्रेसी और दूसरा डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी, जिसमें कि हर एक इंसान को अधिकार है अपने विचार को सरकार के सामने रखने का। डेमोक्रेसी के बारे में बताते हुए अब्राहम लिंकन कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी कि वैसी सरकार जो कि लोगों द्वारा, लोगों का और लोगों के लिए जो सरकार निर्मित हो वह लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र में आज़ादी को, लिबर्टी को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, जिसमें हर एक सिटीजन को अधिकार होता है अपने सरकार के फैसले को पक्ष और विरोध करने का। लेकिन इसमें भी एक पॉइंट आता है, एक क्वेश्चन आता है कि वहाँ के जनता को कैसे पता चलेगा कि कोई सरकार गलत या फिर सही कर रही है। तो वहाँ पे फिर ज़रूरत पड़ती है एजुकेशन का। तो यदि हम डेमोक्रेसी चुने तो वो फिर निर्भर करती है एजुकेशन पे, यानी कि यदि सिटीजन के पास एजुकेशन है तो वह सही और गलत का पक्ष रख सकती है, लेकिन यदि नहीं है तो फिर डेमोक्रेसी जैसे यूजलेस हो। वहीं पे दूसरा पॉइंट है, दूसरा ऑप्शन है डिक्टेटरशिप, जिसमें कि एक ही इंसान सर्वोपरि होता है, जैसे कि पहले के ज़माने में हुआ करता था राजा महाराजाओं के समय में, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या निर्णय लेना है सब कुछ राजा पे निर्भर करता था। यानी कि वहाँ के नॉर्मल सिटीजन खुद के लिए क्या करना चाहते हैं क्या नहीं, ये भी वहाँ के डिक्टेटर ही निर्णय लेते थे। और डेवलपमेंट का चांसेज भी इस बात पे निर्भर करता है कि वहाँ का डिक्टेटर कितना अच्छा है और कितना खराब, और वहाँ के जनता का लाइबर्टी का चांसेस तो पूरा 0%। तो अब इन दोनों ऑप्शन में से राइटर के द्वारा चूज किया जाता है फर्स्ट ऑप्शन को, जो कि डेमोक्रेसी है। वो कहते हैं हम लोग एक गुड लाइफ चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, लेकिन लाइबर्टी के कॉस्ट पर नहीं। हम लोग आगे ज़रूर बढ़ेंगे लेकिन साथ मिलके बढ़ेंगे, और
अपनी इच्छा से बढ़ेंगे। वहीं पर एसे के लास्ट में एक डिस्कशन किया गया है एक थॉट पे, जो कि मैक्सिम गोर्की का है, जो कि रशियन राइटर थे। उनका थॉट है कि यू कैन फ्लाई इन द एयर लाइक बर्ड्स एंड स्विम इन द सी लाइक फिश, बट यू डोंट नो हाउ टू वॉक अपॉन द अर्थ लाइक मैन। मतलब आप आकाश में चिड़ियों की तरह उड़ तो सकते हैं, समुद्र में मछलियों की तरह तैर भी सकते हैं, लेकिन धरती पे इंसानों की तरह आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं ये आपको नहीं पता। तो इसके आंसर में राइटर के द्वारा कहा गया है कि इसके लिए हमें ट्रूथ यानी सच्चाई के साथ रहना होगा और नॉन वायलेंस रहना होगा, यानी कि हम किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती से अपने बात नहीं मनवा सकते, हमें उनके विचारों का भी इज्जत करना आना चाहिए, जो कि एक डेमोक्रेसी में नॉर्मली होता है। हर एक व्यक्ति के विचारों का अपना अधिकार है और वह अपनी बात रख सकता है। इसमें गौतम बुद्ध, अशोका और जीसस क्राइस्ट वगैरह का एग्जाम्पल दिया गया है और महात्मा गांधी का भी, जो कि नॉन वायलेंटली बिना किसी हिंसात्मक रूप के अपनी बात को रख पाए और इतिहास में बहुत बड़े योगदान दे पाए। यहाँ पे दो जानवरों का एग्जाम्पल दिया गया है, पहला डायनासोर और दूसरा ब्रोंटोसोरस, जो कि दोनों वायलेंट टाइप के जानवर थे, लेकिन अभी दोनों ही विलुप्त हो चुके हैं। राइटर कहते हैं यदि हम लोग भी जानवरों की भांति लड़ते रहे आपस में तो हम लोग की प्रजाति भी एक दिन विलुप्त हो जाएगी, इंसान भी विलुप्त हो जाएंगे। तो अब ऐसे के लास्ट में एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि नो मैन इज एन आइलैंड का थॉट राइटर के माइंड में आया कहाँ से और इस थॉट का रियल मीनिंग है क्या। तो इसका आंसर भी हमें ऐसे में ही मिल जाता है कि उन्होंने जॉन डन का एक पोयम पढ़ा था नो मैन इज एन आइलैंड, जिसको उन्होंने बताया भी है, जिसका बेसिक थीम ये होता है कि कोई भी मनुष्य आइलैंड नहीं हो सकता। अब आइलैंड क्या होता है और कोई भी मनुष्य आइलैंड नहीं हो सकता, इसका मीनिंग क्या है ये हम लोग समझते हैं। आइलैंड जो कि आइसोलेटेड होता है, इसको दूर दूर तक किसी से मतलब नहीं होता। तो राइटर कहते हैं कोई भी मनुष्य आइसोलेटेड नहीं हो सकता, यानी कि खुद में सिमट के नहीं रह सकता, हर मनुष्य को दूसरे मनुष्य की ज़रूरत है। चलिए मान लेते हैं आपको आइलैंड पे छोड़ दिया गया, आप अकेले रह रहे हो पूरे आइलैंड पे, तो वो ज़िंदगी बेटर होगी या फिर बहुत सारे मनुष्य के साथ रहते हो एक नॉर्मल जीवन यापन करते हो, तो दोनों में से कौन सा ज़िंदगी बेटर रहेगा। तो निश्चित रूप से हम लोग दूसरे जीवन को चुनेंगे, बहुत सारे लोगों के साथ रहने को चुनेंगे, आइलैंड पे अकेले रहने से बेहतर इसे मानेंगे। तो वही राइटर कहते हैं कि हम लोग वन ह्यूमन फैमिली के मेंबर्स हैं, हम लोग को एक साथ मिलके एकजुट होके किसी भी परेशानी का सामना करना चाहिए और मिलके काम करना चाहिए एक बेटर वर्ल्ड के लिए। और इसी के साथ हमारा ये एसे समाप्त होता है। और इस पूरे एसे का हम लोग अगर एक बेसिक थीम देखें तो एक तो हमें एकजुट होके काम करना होगा और दूसरा यदि डेमोक्रेसी आ भी जाता है तो उसके लिए हम लोगों को शिक्षा की ज़रूरत पड़ेगी। जब तक हम लोग एजुकेटेड नहीं होंगे सही और गलत का फैसला हम लोग नहीं कर सकते।